दोस्तों, आज हम एक रोमांटिक सफर पे चलते हैं। ये मूवी ट्रिलोजी जो आप यहां समझने वाले हैं, अगर एक साथ बैठ के आपने अपने पार्टनर के साथ इस मूवी को देख लिया तो जिंदगी में ये सबसे गहरी छाप छोड़ के जाने वाली है। इन तीन मूवीज का नाम है बिफोर सनराइज, बिफोर सनसेट एंड बिफोर मिडनाइट। वक्त के साथ रिश्ता किस तरीके से बदलता है, रिश्ता कैसे शुरू होता है, रिश्ता कैसे जवान होता है, कोई रिलेशनशिप कैसे जाके सेचुरेट होने लगती है, ये सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इस कहानी में बहुत जबरदस्त खूबसूरती है, परफॉर्मेंस आप देखेंगे जूली डेल्फी का, उनकी खूबसूरती अपने आप में आंखों को राहत देने वाली है। एथन हॉक ने जबरदस्त परफॉर्म किया है और रिचर्ड लिंकलेटर की ये मूवी, ये ट्रिलोजी काफी गेप के साथ आती रही है, तो आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि वक्त के साथ में ये ग्रो करते गए, इनकी उम्र भी बढ़ती गई, साथ में इनकी पर्सनालिटी बदलती गई, इवॉल्व होते गए। और सच में अगर रिलेशनशिप आपके लिए कोई गहरे मीनिंग्स रखती हैं, अगर आपका सिर्फ साथ में एक छत के नीचे रहना या फिर रेस्टोरेंट में बैठ के डिनर करना या साथ में मूवी देख लेना एक रिलेशनशिप की डेफिनेशन नहीं है, तो आप यहाँ पे समझेंगे कि रिलेशनशिप में किस तरह के डीप कन्वर्सेशंस होते हैं। ये ऑन द गो एथन हॉक जो कैरेक्टर है वो जूली डेल्फी को ट्रेन में मिलता है और उनके बीच में एक केमिस्ट्री बनती है। तब हीरो सजेस्ट करता है कि मैं यहाँ पे उतर रहा हूँ और मेरे पास होटल में स्टे के लिए कोई पैसा नहीं है, तो अगर तुम भी साथ में आ जाती हो तो आज की रात हम एक अलग तरीके से गुजारते हैं। तो जब आप इनकी बातचीत सुनेंगे और फ्लो में वो जो रात गुजरती है, जब आपको पता लगता है कि इस रिलेशनशिप में आगे कोई कमिटमेंट भी नहीं है, ये चलती चली जाती है रात और आप उनकी बातों को सुनते हो, आप एक अलग तरह की राइड में गुजर जाते हो। क्योंकि पीछे पास्ट का भी यहाँ पे कोई बोझ नहीं है, आगे फ्यूचर का भी कोई बोझ नहीं है, और वो रात सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में है। खूबसूरत मोमेंट टू मोमेंट बनते चले जाते हैं और आप उस सफर में शामिल हो जाते हो काफी हद तक। और ये मूवी फिजिकल रिलेशनशिप में होने के बारे में या लस्ट के बारे में नहीं है, कैसे वो धीरे धीरे फिजिकल होने की तरफ बढ़ते हैं वो भी हम देखते हैं। और बाद में जब ये रात गुजरती है तो आखिर में वो तय करते हैं कि हम अब आगे 6 महीने बाद एक दूसरे को मिलेंगे। वहां पे मूवी खत्म हो जाती है। सेकंड पार्ट आता है बिफोर मिडनाइट, जहां पे आप देख रहे हैं इस पार्ट में इनकी उम्र बढ़ चुकी है, हीरो ने एक बुक लिखी है उस रात पे और वो बहुत पॉपुलर हो गई है। और अगला जो सिक्वेल आया था 95 के बाद आया था 2004 में, और उसके बाद 2013 में तीसरा सिक्वेल आता है। तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि उम्र के बढ़ने के साथ में उनके लुक्स में, उनकी पर्सनालिटी में, उनकी सोच में कहाँ कहाँ फर्क आ रहा है और सटल लेवल पे कहाँ चीजें बदल चुकी है वो बातचीत में पता लगेगा। हीरो की शादी हो चुकी है, उसका अपना एक बच्चा भी है, वो अपनी इस मैरिज से सेटिस्फाइड नहीं है और ये बंदी कहीं एनजीओ में काम करने लगी है, जिंदगी के दूसरे मायने खोज रही है और इनकी बात हो रही है बाहर बाहर। पहले सब कुछ स्वीट स्वीट सा लगता है, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है रिलेशनशिप की वो यहां से दिखना शुरू हो जाती है कि आप चाहे पास में रहो या दूर रहो, एक आदमी और औरत का रिश्ता कभी भी स्मूथ नहीं हो सकता एकदम, उसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव होंगे, कई उलझने होगी, वो आपको साथ में देखने को मिलेगी। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि एक रात का समय लीजिए और उसके साथ में आप अगर एक साथ बैक टू बैक ये फिल्में देखेंगे तो आपकी जिंदगी की सबसे रोमांटिक रात हो जाएगी, उसको आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। और कहूंगा कि हर एक पार्ट को देखने के बाद कोई 20-30 मिनट का कन्वर्सेशन आप करने की कोशिश करें। थर्ड पार्ट में आप देखते हैं कि हीरोइंस के अपने हीरो हीरोइन के अपने बच्ची है और हीरो की पहले की शादी से एक बच्चा है, और यहां फिर दोबारा ये अपने इन-लॉज के साथ मिल रहे हैं। और जब आपकी फैमिली एक्सटेंड होती है तब एक रिश्ते में अलग तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, और जब आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो उम्र के साथ साथ में आपको बहुत सारे तजुर्बे हो चुके होते हैं, तो जो खूबसूरती
जो कोरे कागज की तरह पहली मूवी में रिलेशनशिप दिख रही थी, दूसरी मूवी में आपको उसमें बहुत कुछ लिखा जा चुका होता है, तीसरे तक आते आते रिश्ते की वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी सामने आ जाती है। तो द गुड, द बैड एंड द अगली, ये तीनों चीजें आपको इस जर्नी में देखने को मिलेगी। और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आप अपने आप को एक रोमांटिक पर्सन समझते हैं, आप अपने रिश्ते को एक अलग तरह की डेप्थ में ले जाना चाहते हैं, तो ये मूवी देखने से वो अंडरस्टैंडिंग हमेशा रहेगी। साथ में जो लोकेशंस है वो कमाल की है, तो रिचर्ड लिंगलेटर का डायरेक्शन है, उन्होंने हमेशा जो भी मूवीज बनाई हैं वो एकदम अलग हटके लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक्स पे बनाई हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे भी, अमेजन प्राइम पे भी हिंदी सबटाइटल के साथ में अवेलेबल हो सकती है। और मैं आपसे कहता हूं कि पहली फुर्सत में जब भी आपको इस वीकेंड में टाइम मिलता है, आप अपने पार्टनर के साथ, वाइफ के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ में प्लान कीजिए। अगर एक साथ तीनों फिल्में बैक टू बैक हो सकती है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको तीन टुकड़ों में देखना पड़े तो भी कोई बुराई नहीं, बस ये देखना मस्ट है। इस सफर से आपका भी गुजरना जरूरी है अगर आप रिश्ते को उतनी गहराई से जीना चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको कैसा लगा?